श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वार्म अप मुकाबले में शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का ऐसा तूफान आया कि पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। कैसे दोनों ने चौके और छक्कों की बरसात करी वह सब तो आपको बताएंगे ही, तो चलिए दिखाते हैं दोनों की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को एक बेहतर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मुकाबला का दौर चल रहा है और अब भारतीय टीम का एक वार्म अप मुकाबला श्रीलंका की टीम के खिलाफ खेला गया। बता दे कि भारतीय टीम ने टॉस को जीत कर पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए थे। रोहित इस मुकाबले में 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली के साथ मिलकर मोर्चे को संभाल लिया। शुभमन गिल ने बेहद चौके और छक्के उन्होंने अपनी इस पारी में लगाकर श्रीलंकाई गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि शुभमन गिल ने 45 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और उसके बाद इतनी ज्यादा रौद्र रूप में नजर आए कि उन्होंने एक ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। आपको जानकर खुशी होगी कि शुभमन गिल ने 81 गेंद में शतकीय पारी खेल डाली। एक समय ऐसा था कि मैदान में सिर्फ शुभमन गिल के नारे लग रहे थे, श्रीलंका की टीम के पसीने छूट रहे थे और भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था। विराट कोहली भी 54 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी पर आए सूर्य कुमार यादव, वह तो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है और उन्होंने शुरुआत में ही चौके के साथ अपनी पारी का की शुरुआत करी। लेकिन गिल 91 गेंद में 137 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 11 छक्के और 9 चौके भी लगाए। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखाई और धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। एक ओवर तो ऐसा आया जब सूर्य कुमार यादव ने 4 छक्के शानदार तरीके से लगा दिए और इतनी आक्रामक बल्लेबाजी करी कि सिर्फ 38 गेंद में ही 84 रन ठोक डाले। उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के और 4 चौके भी लगाए। दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम रहा कि भारतीय टीम 50 ओवर में 412 रन तक पहुंचने में कामयाब रही, जिसको देखने के बाद श्रीलंका की टीम लगभग 90% मुकाबला तो इस समय हार चुकी थी। भारतीय खेमा दोनों के लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। वैसे आप सभी दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।